ज्यादा अच्छा लग रहा है। मम्मा को भी ले जा अपनी। गाइस देखिए ब्लॉगर खुशी है 100 रुपए में। हेलो गाइस, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग ना मैं थोड़ा देर से कर रही हूँ क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। तो जो सरकारी मेला था ना 14 से 20, तो वो तो आज खत्म होने जा रहा है, लेकिन ना मेला बहुत दिनों तक लगी रहती है, मतलब स्टॉल और दुकानें। तो थोड़ी देर में आपको ले चलूंगी मैं। तो फटाफट तैयार होते हैं और चलते हैं सीधे। कुछ दिन पहले ना नगर पालिका में वो पहाड़ी व्यंजन कंपटीशन हुआ था जिससे मेरे जेठानी जी सेकंड आए हैं और उनको आज ना प्राइज मिला है, तो देख लेते हैं। क्या बनाया था वैसे आपने? मैंने बनाई थी बड़ी की सब्जी। बड़ी की सब्जी और हाँ। भी कुछ बनाया था? बड़ी की सब्जी भात बनाया था। 5 मिनट में मतलब पता चला कि व्यंजन है, फटाफट 5 मिनट में बनाया ले गई। अच्छा अच्छा, तो ये देखो ये है इनका गिफ्ट मिला है, ये देखो ये सर्टिफिकेट है और ये गिफ्ट है। इसके अंदर देखो मिल्टन का हॉट केस है। वहाँ बधाई हो बहुत बहुत। तो ये वो लेके भी आगे स्टेज में गए थे, गिफ्ट लेके आ गए। तो तब मैं घर में थी ना, समय नहीं हुआ, नहीं तो उस टाइम पे भी ब्लॉग बनाती मैं। तो अब हम आपको ले जाते हैं मेले में। वैसे आज लास्ट डे मेले का समापन है, देखते हैं फिर कितनी चहल पहल है, चलते हैं। तो ये हमारे घर की गली देखो, लास्ट डे में कितनी भीड़ है, चलने की जगह नहीं बिल्कुल। मार्केट में पहुंच चुके हैं और यहाँ ना बन रहे हैं मोमोज, चाउमीन। तो आज मेले का लास्ट डे है ना, और देखो इवनिंग होने को आ गई है, लेकिन भीड़ ना कहीं भी कम नहीं हो रही, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। तो देखो अब ना सीढ़ियों से उतर के हम सरयू पार जा रहे हैं और हवा इतनी चल रही है ना गाइस, क्या बताओ। यहाँ मुझे उर्वशी दिख रही है, हमारे पड़ोसी। देखो क्या क्या लिया फिर अब तक, भी खोल दिया है और कुछ नहीं लिया। चलो घूमो जी, घूमो चूची सा दे दी, ठीक हो दी वो, ठीक हो वहाँ वहाँ निकालो पीछे को, रहने दो। अरे पंडित जी को प्रणाम, ठीक हो? और कुछ लिया आपने, कुछ पसंद आया? तो कुछ नहीं लिया, फिर देखते हैं, एक आध में सोते हैं। तो कोई महंगाई भी चल रही है, पैसा भी नहीं है। नदी से, सरयू नदी से कह रही हूँ, पगड़ वाली दुकान से हट के नुमाइश फील्ड में ले जाते हैं और कुछ कुछ हमने चीज़ें ले रखी है छोटी मोटी, घर जाके दिखा। ओ कैसी चल रही शॉपिंग रानी दी, ये उनकी मम्मी, ये देखो मास्क भी तो उतारो जरा, मास्क नहीं उतार रहे, शॉपिंग हो ही रही है तगड़ी, मतलब है। चलो बढ़िया है, और आशीर्वाद है, खूब आगे बढ़ो आप, धन्यवाद, आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, धन्यवाद। तो शाम को देखो नदी कितनी अच्छी लग रही है और कठपुल में जो लाइट लगा रही है उससे और ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तो घुगदे चल रहे हैं क्या इसके? है तुम्हारी पड़ोसी, ये देखो घुगुता खाते हुए। संतोष भैया मेले में आए हैं साथ में, ये ममता भी साथ ही में आए होंगे। हाँ साथ ही में आए हैं। और कैसी चल रही दुकान? बढ़िया चल रही। ब्लॉग भी देखते हो नहीं देखते हो? देखते हो। अरे तुमने मेले से क्या शॉपिंग करी बताओ यार, पहले मेले से बहुत लिया, घर आना तब दिखाऊंगी। मेला अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, सब तुझे याद कर रहे इस बार। मजे आ रहे मेले में, तो मजे आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मैं ना अपनी साथी फ्रेंड को ना 30 हर माल 30 रुपए वाली दुकान में ले जा रही हूँ उसको कुछ दिलाने के लिए। तो हर माल 5 और 30 रुपए वाली गली में बहुत भीड़ है, देखो भैया देख के देख के। हम तुमको आंटी दिख रहे हैं इतने बड़े बड़े, तुम सॉरी सॉरी, तुम पीछे आने के तो बाल आ रखे हो अच्छे खासे, आंटी दिख रहे हैं तुमको। तो ममता को मैंने क्या दिलाया, दिखाया स्टैंड दिलाए हैं। और कैसे हो? बस बढ़िया, खरीदारी चल रही? बढ़िया चल रही है, अभी कोई खास तो अभी नहीं करी। आज तो लास्ट डे है, कुछ खरीद लो फिर। अभी तो बहुत बतेरे दिन और होंगे, 24 तक तो होगा। 24 तक होगा हाँ, क्योंकि 24 तारीख तक क्या होता है। छोटे बच्चों की भी आ रखी है यार, यहाँ देखिए ये देख कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस देखिए छोटे बच्चों की। तो देखो हम उजाले में आए थे, अंधेरा हो गया, अब हम घर को जाने लग गए हैं अपनी गली से होते। ये है कैमरा है गोप्रो, इससे वीडियो बनती है। हाँ वीडियो बनती है हाँ। और भैया क्या बेच रहे हो? अच्छा वूलन कपड़े। किदा को प्रणाम, कैसे हो, कैसी चल दुकान और सब?
अब मेला नहीं घूम रहे हो क्या, दुकान में ही हो? बस मेला भी घूम गया है। अच्छा अच्छा, और प्रोग्राम देख रहे होंगे रात को? चलो बढ़िया है। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो कल ना घर आके फिर व्लॉग कंटिन्यू करने का टाइम नहीं हुआ, और हमारे वहाँ ना कल शाम गेस्ट आए थे, तो चलो फिर आपको ना उनसे मिलाते हैं। तो ये है हमारे जीजा जी, तो रानीखेत रहते हैं। ये मेला अब जब ये मेला समापन करने के लिए आए हुए हैं। जिया जी, कैसा लग रहा है फिर मेला इस बार? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है इस बार, जब प्रशासन ने करा रखा मेला? बहुत बढ़िया। देखो ये है अभी हमारे दीदी का बेटा। और बताओ फिर, इस बार तुम्हारा इंटर है सुना मैंने, प्रिपरेशन कैसे चल रही है? सब बढ़िया। सब बढ़िया चल रही, और पढ़ाई में डूबे होंगे बिल्कुल, फुर्सत नहीं हो रही होगी ना? वो तो दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप ये भी सुनेंगे कि मैंने इंटर कर लिया है। हाँ वो तो है ही। और देखो सासू माँ यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी धूप सेक रहे हैं, और नविया तो खेल रही है। तो हम ना आपको लेके जा रहे हैं मेला, और आदि भी आ रहा है हमारे साथ, तो चलते हैं। अभी थोड़ी देर में दीदी से मिलाते हैं। दीदी जरा नीचे गए हैं। चुके हैं तो जिया जी, और अभी से तो आपने मिल लिया था। ये है हमारी दीदी, बड़ी ननद पौड़ी कहते हैं हम लोग। ये देखिए हम मेला घुमा रहे हैं। हाँ आज हम दीदी को ना मेला घुमाने ले जा रहे हैं, शॉपिंग कराने गुड इनको शॉपिंग कराने ले जा रहे हैं। आते हुए बक्सा भी लाएंगे हम। भैया सुनो, ये जो मैं कल चूड़ी ले गई थी ना, ये वाली है? बड़े हो रहे? हाँ ये थोड़े बड़े हो रहे हैं, इसका एक साइज छोटा दे दो। दो चार ना? हाँ दो चार। सरकारी मेला तो खत्म हो गया है, जिसमें रात में स्टेज शो लगता है ना, और वैसे मेला भी है ही, और भीड़ दिखाती हूँ। ये देखो ऐसी हो रही भीड़। एम तो आदि को ना फिर से हम बोटिंग करा रहे। दीदी आप भी कर लो। तो पानी कम है इसलिए दीदी कह रही, मना कर रहे। रुको रुको आने दो, आदि फिर एंजॉय करने जा रहा है बोट को। बड़ी मम्मा को भी ले जा अपनी, बड़ी मम्मा को भी ले जा, आओ तुम आओ। तो देखो मेरे जेठानी जी और आदि चले गए हैं बोट में, तो चल गई बोट। देखो आदि बाय बाय करो, अभी नहीं थोड़ी देर में। आदि को ना रोज मजा आता है, और पानी का लेवल तो ठीक है, लेकिन ठीक है शौक पूरे हो रहे बच्चों के। आ गया आदि और जेठानी जी, देखो बोटिंग करके। मुझे मिली है नीलम, जो बहुत पहले हमारे टीनेंट हुआ करते थे। तो ये घुसी हुई है 100 रुपए में, हर माह 100 घुसी है। गाइस देखिए ब्लॉगर घुसी है 100 रुपए में। तो चलते चलते ना हमें यहाँ भाभी भी दिखी है। देखो ये उनकी बेटी है। कैसे हो? ठीक हो? और भाभी कितनी हुई शॉपिंग? अभी तो कुछ नहीं आया, पैजामे ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है यार। अब जाते जाते कुछ लेते हुए जाओ फिर। ठीक है बाय। अब हम आपको ना ले जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड, बागेश्वर में ही है, वहाँ पे भी ना मेला लगा हुआ है, अब तक हम गए नहीं, तो चलो फिर चलते हैं आपको लेके। देखो दो कटपुल बने हुए हैं, एक जाने के लिए एक आने के लिए। चलो आदि। तो देखिए टैक्सी स्टैंड की वहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, और खूब सारे इसमें शॉप लगी हुई है अलग अलग। टैक्सी स्टैंड से होते हुए ना अब हम ना जा रहे हैं नुमाइश फील्ड की ओर। यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब ग्राउंड पे ना काफी स्टॉल लगे थे, तो अब हम जाते हैं सीधे आपको भी अपने साथ लेके। बागनाथ वाली पुल से होके ना हम जाने लग गए हैं नुमाइश फील्ड में, लेकिन ना भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, पीछे देखो कुछ गर्ल्स हंस भी रही है। तो अब मैं आ गई हूँ नुमाइश फील्ड में, और हमने ना नुमाइश फील्ड से लिए हैं फ्रूट्स। तो इसमें है कीवी 100 के 3 किलो, और अनार है 150 के 2 किलो। तो नुमाइश फील्ड में देखो बच्चों की भीड़ लगी है झूले में जाने के लिए। ये रहे मेरे देवर। कैलाश क्या कर रहे हो? झूला झूल लिया? दर्शकों आज के लिए इतना ही। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिएगा। अब टाइम आ गया इस व्लॉग को ही एंड करूं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।